नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है आज कोऑर्डिनेट में सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ऐसा कि हमने पिछले दिनों बताया था, स्ट्रेट लाइन ही शुरू किया जाएगा। तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो पहले हम देखेंगे कि दो बिंदु दिया हो और दो बिंदु से होकर जाने वाली कोई रेखा हो, ठीक है। कम से कम दो बिंदु पता होगा तभी हम जो है यहाँ पर सपोज दैट ये एक रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर जा रही है, या फिर कोई भी अगर एक दो इस बिंदु है और ये दो बिंदुओं को मिला दें तो ये एक रेखा हो जाएगी, या अन्य और भी हम देखेंगे, एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, तो इन दोनों बिंदुओं पर ऐसे स्केल रख के और लाइन खींच दें तो ये एक रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी रेखा होता है उसके लिए हम देखेंगे कि आप जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स एक्स डैश होता है, ये वाई वाई डैश होता है, ठीक है। अब ये मूल बिंदु ओरिजिन होता है, यहाँ पर कोई बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और इसका है एक्स टू और वाई टू, और यह रेखा जो है ऐसे होकर जाएगी जब दो बिंदु दिए हों। इस रेखा का एक्स अक्ष का ये प्लस है, ये माइनस डायरेक्शन होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो इसके साथ जो धन दिशा में झुकाव है अगर ये थीटा हो तो इसकी टेंजेंट, इस कोण का टेंजेंट ही इस रेखा की प्रवणता कहलाता है, प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता, किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ धन दिशा में जो झुकाव होता है उस झुकाव की का टेंजेंट, ठीक है, स्पर्शज्या ही प्रवणता कहलाता है, ही प्रवणता कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी रेखा हो तो एक सच के धन दिशा के साथ जितना झुकाव होता है उस झुकाव का स्पर्शज्या ही रेखा की प्रवणता कहलाता है, ठीक है। प्रवणता को एम से डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट करते हैं, एम से। इसका मतलब ये है कि प्रवणता एम बराबर टैन थीटा, प्रवणता एम बराबर क्या, टैन थीटा, ठीक है। अगर थीटा दिया हो तो हम प्रवणता निकाल लेंगे। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पर ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, यहाँ पर हम जो है यहाँ से इस पर लंब डाल दें, यहाँ से इस पर लंब डाल दें, और अगर यहाँ ऐसे इससे इस पर लंब डाल दिया जाए तो यह रेखा और ये रेखा, ये जो रेखा है ये एक्स है, इसके समांतर हो जाएगी ना, पैरेलल। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्स वन है और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स टू है, तो जो ये दूरी होगा ये तो एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा ना। उसी तरह ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तो है वाई टू, और ये जो दूरी है ये तो वाई वन है, तो जो ऊपर की दूरी बचेगी ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अब देखा जाए तो इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये भी तो थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो जो ये आधार है वो तो इसकी ये लंबाई है और जो लंब है वो ये लंबाई है, तो हम ये टैन थीटा अगर रखें तो यही टैन थीटा बराबर लिख देंगे, ये जो अगर मान रख दिया जाए नाम अगर बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर अगर एम है तो ये हो जाएगा बी एम अपान ए एम। अच्छा, बी एम का माप है वाई टू माइनस वाई वन, बी एम का मान कितना है वाई टू माइनस वाई वन, और ए एम का माप है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये टेन थीटा हो गया, यानी प्रवणता हो गया एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। तो लिख लीजिए इसे, दो बिंदुओं एक्स वन वाई वन
तथा H2Y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता M हो तो M हो तो लाइन छोड़कर नीचे लिखे टाइम थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है। ये चित्र बना लीजिए जल्दी से, चित्र बना लीजिए। बन गया। चलिए तो आइए अब अगर सपोज दैट, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अगर ये ध्यान से समझिए, इसी में यदि यहीं पर ये यहाँ पर अगर कोई बिंदु होता है x, y और ये P होता है, ध्यान समझिए, यहाँ पर x और y है तो लिख लीजिए, AB के बीच में कोई बिंदु x, y लिखिए। तो अब देखिए यहाँ से जब इस पर लंब डालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो जाएगा, और जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये x होगा, यानी ये दूरी कितना होगा x। इस चित्र में देखिए इतना दूरी x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो बनाइए जल्दी से चित्र में x, इतना दूरी बनाइए, दिखाइए x, और ये दूरी है y, ये दूरी है y, हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और इधर है x1, तो जो ये बीच की दूरी इतनी होगी x-x1 होगा, तो ये P है, यहाँ पर हम Q लिखेंगे, तो लिख दीजिए P और Q, जल्दी से बनाइए, ये P है और इसे जो लंब डाले हैं तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ये देखिए चित्र में ये Q लिखिए, यहाँ पर एक Q, ये P है, तो ये Q बनाइए, थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा, यहाँ Q बनाइए। अब यहाँ पर लिख दीजिए PQ जो हो जाएगा वो y-y1 होगा, ये PQ जो होगा ये पूरा P से लेकर यहाँ तक y है और यहाँ नीचे y1 है, तो PQ हो जाएगा y-y1। AQ लिखिए x-x1, ये पूरा देखिए चित्र में, जरा चित्र में देखिए, ये x है, ये x1 है, तो ये दूरी हो जाएगा x-x1, हो गया। अब देखिए ये चित्र में देखिए जरा, इधर सभी लोग, ये है AQP, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज में ये तो थीटा ही था, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी PQ लंब होगा और AQ क्या होगा आधार, तो हम यही M बराबर या tan थीटा बराबर लिखेंगे PQ/AQ। तो इसमें हम लिखते हैं PQ के स्थान पर y-y1/x-x1। अच्छा देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया पहला, ये भी m ही है और ये भी m है, यानी tan थीटा ही है, तो ये राइट साइड दोनों का बराबर होगा, इसका मतलब y-y1/x-x1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा y2-y1/x2-x1। अब यहीं से हम लिखें y-y1 बराबर यहाँ हो जाएगा y2-y1/x2-x1 और इनटू x-x1। क्लियर है? तो यही होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है ये, लिख लीजिए, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण छोड़ दीजिए लाइन, नीचे लिखिए y-y1 = y2 - y1 / x2 - x1 * x - x1 होता है तथा प्रवणता m = y2 - y1 / x2 - x1 अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये तो प्रवणता है ना, ये प्रवणता है, ठीक है। तो अगर इसके जगह पर m लिख देते तो ये हो जाता y - y1 = m x - x1। तो ये भी रेखा का समीकरण है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो लिख लीजिए, लिखिए सभी लोग, जब किसी रेखा की प्रवणता m ज्ञात हो जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती हो तो रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1 होता है जैसे। लिखिए पहला प्रश्न, लिखिए बिंदुओं -3, 2 व 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए तो आइए ये दिया गया है x1 y1, ये दिया है x2 और y2। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रवणता m = y2 - y1 / x2 - x1 से y2 के स्थान पर 6, y1 के जगह पर 2, x2 के स्थान पर 4, x1 के जगह पर -3, 6 में से 2 जाएगा 4/7। तो प्रवणता कितना हो गया, 4/7 हो गया। चलिए दूसरा लिखिए प्रश्न, बिंदुओं -1, 2 व 3, -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए
तो अब ये पता हो गया कि एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, तो रेखा का समीकरण फार्मूला ये हम लिख लेंगे, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसी में रखेंगे वाई माइनस वाई वन, वाई वन है दो, वाई टू है माइनस दो और वाई वन है दो, तो माइनस दो माइनस दो, एक्स टू है तीन माइनस और ये माइनस वन है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब ये हो जाएगा माइनस चार बटा चार और ये एक्स प्लस वन, चार चार कट गया, वाई माइनस टू। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू बराबर माइनस एक्स माइनस वन, इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई और माइनस टू प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वाई माइनस वन बराबर जीरो। ये हो गया रेखा का समीकरण, तो लिख लीजिए एक्स प्लस वन माइनस वन बराबर जीरो, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। हो गया, चलिए अगला लिखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु वन कामा टू से होकर जाती हो तथा होकर जाती हो तथा एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ तीस अंश का कोण बनाती हो, तीस अंश का कोण बनाती हो। तो यानी ये दिया है कि यह जो है एक और दो से होकर जा भी रही है और ये कोण है तीस अंश, ये थीटा दिया है तीस अंश और ये बिंदु दिया है एक कामा दो, एक कामा दो। तो अब इसी में रख दिया जाए तो हमें पता हो गया ना कि इसकी प्रवणता m बराबर tan 30 अंश। देखिए सभी लोग सॉल्व करिए, पहले यहाँ देख लीजिए m बराबर tan 30 अंश, देख रहे हो सभी लोग ना। अब प्रवणता तो पता हो गया ना कि m बराबर 1 अपान रूट 3, इसी में रख दिया जाए y माइनस वाई वन, ये x1 y1 दिया है तो y माइनस वाई वन की जगह पर दो, m की जगह पर 1 अपान रूट 3, एक्स माइनस एक्स वन वन रूट थ्री से गुणा कर दें इधर, रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री बराबर एक्स माइनस वन। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स माइनस रूट थ्री वाई, एक्स माइनस रूट थ्री वाई और माइनस वन प्लस टू रूट थ्री बराबर जीरो, यही हो गया अभीष्ट रेखा का समीकरण, सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखा जाए, जब रेखा द्वारा अक्षों पर
कटे अंतःखंडों की माप ए व बी हो। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी हो तो रेखा का समीकरण। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हमें ए इसका निर्देशांक क्या हो गया, ए कामा जीरो, इसका निर्देशांक क्या हो गया तो जीरो कामा बी, क्योंकि इस पर एक्स का मान जीरो, इस पर एक्स एच का समीकरण होता है वाई बराबर जीरो और वाई एच का समीकरण होता है एक्स बराबर जीरो। अब हमको पता हो गया कि एक्स वन वाई वन है और ये क्या है एक्स टू और वाई टू, दो बिंदु पता हो गया ए कामा जीरो और जीरो कामा बी। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकालेंगे तो वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन और इंटू एक्स माइनस एक्स वन से मान रख दें वाई माइनस वाई वन जीरो, वाई टू है बी माइनस जीरो, एक्स टू है जीरो माइनस ए और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन ए। अब ये हो जाएगा बी बटा माइनस ए और एक्स माइनस ए यहाँ वाई, तो बी से भाग दे दें तो वाई अपान बी बराबर माइनस एक्स अपान ए प्लस वन, ये इधर आ जाएगा तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन। ये तो हो गया रेखा का समीकरण, साथ ही साथ ये रेखा का समीकरण है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि अक्षों के बीच जो ये त्रिभुज है इस रेखा के द्वारा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल डेल्टा है वो तो लंब गुणे आधार बटा दो ए इंटू बी बाई टू हो जाएगा। तीसरा देखा जाए कि ये जो ए बी है, जो रेखा का अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई ए बी है, तो ए बी जो हो जाएगा ये ए आधार है ये बी लंब है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है इससे, और अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई ये कब, जब अक्षों पर कटे अंतःखंडों का माप पता हो जाता है तब। तो लिखिए जरा जल्दी से, सभी लोग बोले, बना लीजिए चित्र जरा जल्दी से, फिर बोलते हैं। हो गया, लिखिए। यदि किसी रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप, यदि किसी रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप क्रमशः ए व बी हो, ए व बी हो, स्मॉल लेटर में ए व बी हो, तो चित्र से चित्र आप बनाए ही हैं, चित्र से रेखा का समीकरण डायरेक्ट रेखा का समीकरण लिखवा दिया जाए, लिखवा दें। देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन। होता है तथा, लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, तथा रेखा का अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई, रेखा का अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई बराबर कुछ नहीं बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तथा अगला नंबर रेखा द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल,
रेखा द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, रेखा द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a इंटू बी अपान टू, a इंटू बी अपान टू होता है जैसे चलिए लिखिए। पहला नंबर प्रश्न, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप क्रमशः पांच व छ मात्रक हो, यानी कह रहा है क्रमशः जब भी कहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले x अक्ष आएगा और उसके बाद y अक्ष, तो ये जो है पांच x अक्ष पर है और छ y अक्ष पर, तो यानी a बराबर हो गया पांच और b बराबर हो गया छ, तो x अपान a प्लस y अपान b बराबर वन से x अपान फाइव प्लस y अपान सिक्स बराबर वन, या इसका गुणा कर दें सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई बराबर तीस, या सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई माइनस तीस बराबर जीरो। हो गया, हो गया। चलिए अगला लिखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योगफल, खंडों का योगफल चौदह मात्रा तथा यह बिंदु बिंदु एक कामा इक्कीस बटा चार से होकर जाती हो। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए।
कहा जा रहा है कि अक्षों पर कटे अंतः खंडों का योगफल a प्लस बी बराबर 14 तथा रेखा जो है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 यह किससे होकर जा रही है, तो 1,21/4 से होकर जा रही है। इसलिए 1 अपान a प्लस ये 21/4b बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम 1 अपान a प्लस 21/4 और b के जगह पर हम रख दें यहाँ से 14-a = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4×14-a + 21a और अपान हो जाएगा a×4 और ये 14-a = 1, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14×56 और -4a + 21a और बराबर हो जाएगा ये 4a, तो 14×56a यहाँ भी हो जाएगा 14×56a और -4a² ठीक है। तो अब ये इधर लेके चले आए तो 4a² और 56a ये है और -56a और प्लस 21a -4a प्लस 56 = 0, तो 4a² अब 56 और 4 = 60, 60 में से 21 निकल जाए 20 निकलेगा 40, तो ये हो जाएगा 39a और बचा कितना, ये हो गया प्लस 56 = 0 ठीक है। अब 56 का 2 ऐसा खंड 56×4 तो देखा जाए यहाँ पर 56×4 ठीक है, इसका 2 फैक्टर करना है ताकि 39 आ जाए। तो हम देखेंगे ये 56×4 का 2 फैक्टर कर दिया जाए तो ये 28×2×4 तो 4×2 = 8 और 28 तो 36 आएगा, यहाँ 39 है। और देख लिया जाए तो यहाँ पर हम कर दें 7×28 = 7, 4 तो ये कितना हो जाएगा 4×16×32 7×32 कर दिया जाए तो 39 हो जाएगा। 4a² - 32a - 7a + 56 = 0 तो यहाँ से 4a कॉमन ले लें तो a - 8, -7 कॉमन ले लें तो a - 8 = 0, तो 4a - 7 और ये हो जाएगा a - 8 = 0, तो 4a - 7 = 0 तो a = 7/4 या a = 8। अब अगर a = 8 है, यदि a = 8 है तो b = 14-8 = 6, a = 8 तो b = 6 हो गया। तो 8 और 6 जब आ गया तो हम रेखा का समीकरण निकाल लेंगे कि x अपान a यानी x/8 + y/6 = 1, तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। या 7/4 है तो हम b का मान निकाल लेंगे तो भी रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, लेंदी है, आता है, अक्सर पूछा जाता है। कितने लड़के देख रहे हैं? हो गया। चलिए आगे देखा जाए, देखिए अगला नंबर, रेखा 3x - 4y - 36 = 0
द्वारा अक्षों पर कटे अंतः अक्षों पर कटे अंतः खंडों की माप ज्ञात कीजिए तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि 3x माइनस 4y माइनस 36 बराबर 0, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, अक्षों पर कटे अंतःखंडों का माप ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है कि आप जो है x को ढक दीजिए पूरे अंक सहित, तो y का मान निकल जाएगा ना, हम x को ढकेंगे तो ये माइनस 4y माइनस 36 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 36 बटा माइनस 4, तो ये माइनस 9 आ गया, तो y का मान माइनस 9, जो y का मान आएगा वही b होगा, यानी यही y अक्ष पर कटा अंतःखंड है माइनस 9। उसी तरह y को ढक लेंगे तो 3x माइनस 36 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 36 बटा 12, तो 12 तिया 36, तो a ये हो गया a, तो a बराबर आ गया 3 और b बराबर माइनस 9, यानी रेखा जो होगा वो ऐसे होगा कि ये हो गया 9 माइनस 9 और ये हो गया 3, तो ये इस तरह रेखा होकर जाएगा। क्लियर है तो लगा लीजिए जल्दी से। याद रखिएगा x को ढकेंगे y का मान निकलेगा, y को ढकेंगे गुणांक सहित चिन्ह सहित तो x का मान निकलेगा, जो भी मान आएगा वही होता है अक्षों पर कटे अंतःखंडों की माप। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। रेखा 5x प्लस 8y माइनस 120 बराबर 0 द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेखा 5x प्लस 8y माइनस 120 बराबर 0 द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए, हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये, तो यह क्षेत्रफल डेल्टा बराबर a इंटू बी बाई 2 होता है। तो यहाँ पर तो रेखा ये दिया है ना 5x प्लस 8y माइनस 120 बराबर 0, तो अब इसमें पहले a ज्ञात करें b ज्ञात करें, ये a और b ज्ञात करना होगा, तो a और b ज्ञात करने के लिए अभी बताया गया है, a ज्ञात करना है तो y को ढकेंगे, b ज्ञात करना हो तो a को ढकेंगे। तो चलिए अगर हम y को ढक लेते हैं तो 5x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटा 5, तो ये 5 दुना के 10, 5 चौके 20, तो ये तो a हो गया। उसी तरह 8y बराबर 120, तो y बराबर 120 बटा 8, तो ये 15 हो जाएगा, ये b हो गया, a भी पता हो गया b भी पता हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल a इंटू बी बाई 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 24 गुणे 15 बटा 2, ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60, ठीक है, और 12 कम 12 6 18, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो गया 180 वर्ग मात्रक। लगा लीजिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करिए। अभी तो आप सभी फ्री में क्लास चल रहा है, कोई फीस वगैरह पेड नहीं करना है, आप सभी पढ़ चुके हो, कुछ लोग नए हैं इसमें, तो आप सबको हम बता दें कि यूपी बोर्ड का जो क्लास चल रहा है, तो यूपी बोर्ड का क्लास हमने लगभग जो है कई लेक्चर मैथ का डाल चुके हैं, अब जो है मैथ और फिजिक्स दोनों ही यूपी बोर्ड का कक्षा 12th और कक्षा 11th का पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो है फीस पेड करना होगा। तो जो भी बच्चा जो है अगर 12th का है या 11th का है, अगर पढ़ना चाहता है, तो उसे आप बता दीजिए कि जो है
पहले जो भी जुटना चाहता है उसे हम जो है कुछ वीडियो दे देंगे और वो वीडियो पहले देख ले, अगर उसे अच्छा लगता है तो वह ज्वाइनिंग करे, तो ज्वाइन करेगा। अगर तो ज़्यादा नहीं, केवल एक सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स का केवल 1500 रुपया लगेगा और मैथ का भी 1500 रुपया लगेगा टोटल पूरा इंटरमीडिएट का, यानी 3000 रुपये में वो जो है फिजिक्स भी पढ़ेगा और मैथ भी पढ़ेगा, पूरा प्रतिदिन का क्लास होगा। और जो पैसा पेड करेगा उसी वही वीडियो देख पाएगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे कहीं भी हम उसको भेजेंगे, तो तभी खुलेगा जब वो पैसा पेड किया रहेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों यारों से जो भी हो उसे बता दीजिए कि अगर क्लास करना है तो वो क्लास ज्वाइनिंग कर लें। और कंपटीशन लेवल का भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, जब हम बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड का जितना भी टॉपिक है वो जब समाप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कि समाप्त करके उनको छोड़ देंगे, उनकी हम तैयारी पूरी करवाएंगे, टेस्ट वगैरह सब लेंगे, कायदे से टेस्ट लेंगे, टेस्ट भी वो लोग देंगे। ठीक है, तो जो भी परिचित में हो उसे बता दीजिए। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। लिखिए अगला प्रश्न, लिखिए रेखा 2x + 5y - 20 = 0 का अक्षों के बीच कटे भाग का लंबाई ज्ञात कीजिए, चलिए रेखा 2x + 5y - 20 = 0। आपको हमने बताया कि जैसे ये रेखा है, ये ए है, ये बी है अंतःखंड, तो ये होता है अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई, जो अंडर रूट a² + b² होता है। तो ए और बी तो ज्ञात करना पड़ेगा, तो ए और बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स को ढक लेंगे तो वाई का मान निकलेगा, वाई को ढकेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। अगर हम एक्स को ढकते हैं तो 5y = 20, तो y = 4, और वाई को ढकते हैं तो 2x = 20, तो x = 10। तो अब y भी पता हो गया, x भी पता हो गया, यानी ये हो गया b और ये हो गया a। तो ए बी अक्षों के बीच कटे भाग की लंबाई ए बी बराबर अंडर रूट a² + b² से अंडर रूट 10² + 4² तो ये कितना जाएगा, 100 + 16, कितना जाएगा 116। ठीक है, मात्रक लगा लीजिए जल्दी से। लग गया। चलिए ये तो था अंतःखंड रूपरेखा का समीकरण, अब प्रवणता रूपरेखा का समीकरण देखा जाए। जब कोई भी रेखा हो जो वाई अक्ष पर सी अंतःखंड काटती हो और रेखा की प्रवणता एम दिया हो, जो एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ थीटा झुका हो, यानी एम पता है, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, c और प्रवणता ज्ञात होगा एम। तो एक बिंदु हो गया x1 y1, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = m × x - x1 से। अगर हम ये फार्मूला अपना दें तो y - y1, तो y1 के जगह पर यहाँ पर c = m प्रवणता और x - x1, तो x1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा y - c = mx।
या वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो यही होता है प्रवणता रूपरेखा का समीकरण। प्रवणता रूपरेखा का समीकरण, ठीक है। तो लिखिए सभी लोग प्रवणता रूपरेखा का समीकरण। यदि किसी रेखा द्वारा वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप सी हो तथा रेखा की प्रवणता m हो, तो रेखा का समीकरण के लिए चित्र से चित्र बनाइए और ये लिख लीजिए जैसे लिखा गया है। हो गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम रेखा की प्रवणता है, सी वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। अब देखिए, जैसे अगर कोई भी इसी में देखिए कोई रेखा का व्यापक समीकरण हो, तो रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। अब हम इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब यहाँ प्रवणता रूप में अगर लिखा जाए इस रूप में, तो वाई को केवल लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सभी को राइट साइड में। तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी। तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए अपान बी और प्लस माइनस सी अपान बी यहाँ एक्स। तो ये तो हो गया m। अगर इसकी तुलना हम इससे कर दें, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो m बराबर हो जाएगा माइनस a अपान b माइनस a है x का गुणांक, इसको लिखा जाता है x का गुणांक बटे b है y का गुणांक, इसको लिखेंगे y का गुणांक, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से इसे, रेखा का व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को प्रवणता रूप में लिखने पर लिखिए इसे जल्दी से उतारिए। हो गया, चलिए जैसे लिखिए पहला नंबर, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए लिखिए जल्दी से सभी लोग, जिसकी प्रवणता 3/5 तथा उस रेखा द्वारा वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप
कटे अंतखंड की माप, दस मात्रक। अब देखिए सी बराबर दिया है 10, प्रवणता एम बराबर दिया है 3/5, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो वाई बराबर एम के जगह पर लिखें 3/5, एक्स सी के जगह पर 10, 5 से पूरे समीकरण में गुणा कर दिया जाए तो 5y बराबर 3x, इधर गुणा होगा 3x प्लस 5 का गुणा इसमें भी होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0, यही हो गया रेखा का अभीष्ट समीकरण। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला लिखिए। रेखा 5x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो प्रवणता निकालना है m। तो आप जानते हैं m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, अभी अभी लिखा गया था माइनस, x का गुणांक कितना है 5, y का गुणांक कितना है -7, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/7, यही हो गया प्रवणता, क्लियर है। अगर कहा जाता कि y अक्ष पर कटे अंतःखंड का माप, तो आपको बता ही चुके हैं कि y अक्ष पर कटे अंतःखंड का माप कहेगा तो x को ढक देंगे, और x अक्ष पर कटे अंतःखंड का माप कहेगा तो y को ढक देंगे, ये तो हम बता ही चुके हैं, तो उसके द्वारा आप सॉल्व भी कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अगला देखा जाए, लिखिए अगला नंबर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5.7 से होकर जाती हो, तथा वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप 9 मात्रक। तो चलिए हमें पता है कि y बराबर mx प्लस c, ठीक है, फर्स्ट मेथड यही हमको पता है, हम नहीं जानते हैं और, तो हम इसी पर रखकर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, y बराबर mx प्लस c, तो m तो पता नहीं है, इतना पता है कि यह किस बिंदु से होकर जाती है तो 5.7 से होकर जाती है, तो c बराबर दिया है कितना है 9 है, तो हम y बराबर mx प्लस 9 लिख दें, जो किससे होकर जाती है 5.7 से होकर जाती है, इसलिए यह इसको संतुष्ट करेगा बिंदु, तो y के जगह पर 7 m यहाँ 5 प्लस 9 इधर जाएगा तो 5m बराबर 7 माइनस 9 माइनस 2, तो m बराबर जाएगा -2/5। प्रवणता पता हो गया, तो रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर mx प्लस c में y का मान, तो m का मान -2/5, x और c का मान तो 9 है ही, 5 से गुणा कर दें 5y माइनस 2x प्लस 9 5 45,
तो ये हो जाएगा क्या कि 2x प्लस 5y माइनस 45 बराबर 0, यही हो गया अभीष्ट रेखा का समीकरण। ये तो प्रथम मेथड है, सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग। प्रथम मेथड है ये कि y बराबर mx प्लस c को लेकर हमने सॉल्व किया, तो c का मान रख दिया 9, तो ये हो गया समीकरण जो 5-7 से होकर जाती है, तो m के जगह m का मान निकल जाएगा। अब इसी में 5-7 x और y रख देंगे, m का मान निकल गया, फिर इसी में m का मान रख दें तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा मेथड देखिए इसका सॉल्व करने का। हमें पता है कि हम नहीं जानते हैं y बराबर mx प्लस c, यहाँ अंतःखंड रूप कह रहा है, तो x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, ये भी तो हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण ये भी होता है। तो अगर हम इसी से चलें, रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 से, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x अपान a नहीं पता है, y अपान b दिया है, कितना है 9 है बराबर 1, जो किस बिंदु से होकर जाती है 5-7 से, इसका मतलब 5-7 इसको संतुष्ट करे, तो 5 अपान a प्लस 7/9 बराबर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/a बराबर हो जाएगा 1-7/9, तो यहाँ पे 9-7/9 तो ये हो जाएगा 2/9, तो इसका मतलब a बराबर हो जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, तो 45 इसका गुणा इसमें 45/2, a का मान तो आ गया 45/2। तो अब रेखा का जो समीकरण होगा x अपान a, तो a का मान रखेंगे 45/2 और y का मान है 9 बराबर 1। अब हम गुणा कर दें पूरे समीकरण में, ये दो तो ऊपर चला जाएगा, तो 2x/45 प्लस y अपान 9 बराबर 1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो ये पूरे में 45 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x और 9 × 5 = 45, 5y बराबर हो जाएगा 45। अब 45 इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस 5y माइनस 45 बराबर 0। ये है दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड लिखिए जल्दी से लगाइए, इसका भी वही आया। हो गया, सॉल्व हो गया, कर लिए सभी लोग। ये तो दूसरा मेथड है। अच्छा, मान लिया जाए कि हमें न तो पता है y बराबर mx प्लस c, कुछ समय के लिए मान लेते नहीं पता है, और ना ही पता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। हमको केवल एक ही समीकरण ही पता है, वो भी कौन, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। ये थर्ड मेथड, ये सॉरी, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही पता ही है और कुछ पता ही नहीं है। चलिए देखा जाए कि कोई एक रेखा का समीकरण को पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बिंदु तो दिया है 5-7, परंतु दूसरा बिंदु नहीं दिया है। हाँ, इतना दिया है कि y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है 9, यानी आप ऐसे देखिए कि y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड का माप है तो वह दे रहा है कि ये 9 है, तो यहाँ का जो निर्देशांक हो जाएगा 0,9 होगा ना, तो हम यहाँ लिख दें 0,9 भी। अब देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, बस इसी में रख देते हैं, y माइनस y1 की जगह पर 7, y2 की जगह पर 9 माइनस 7, x2 0 माइनस 5, x माइनस 5। अभी हो जाएगा y माइनस 7 बराबर 9 में से 7 जाएगा 2/-5 और ये x माइनस 5, गुणा कर दें तो ये माइनस 5y और प्लस 7 × 5 = 35 बराबर 2x और माइनस 10। अब ये हो जाएगा 2x, 5 इधर आएगा तो प्लस 5y, 35 इधर जाएगा तो 10 और 35 = 45, तो -45 बराबर 0। तो इस तरह हम इस मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी समीकरण अगर पता है तो हम रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आपने देखा कि एक प्रश्न दिया है, उनको तीनों ही समीकरणों के द्वारा हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस तरह आज हमने बताया आप लोगों को रेखा के समीकरण प्राप्त करने का चार विधि बताया। पहला बताया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। एक बिंदु से रेखा का समीकरण तो y माइनस वाई वन यहाँ m x माइनस एक्स वन। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर वन। प्रवणता रूप रेखा का समीकरण तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इतना हमने आज बताया है आपको रेखा का समीकरण। अब आगे और भी रेखा का समीकरण है, लंब रूप रेखा का समीकरण या समीकरणों पर आधारित अन्य किस किस तरह के प्रश्न आते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कल पुनः हम इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ही, यहाँ तक तो आपको जानकारी था ही कि रेखा का समीकरण कौन कौन सा होता है। कुछ हमने न्यूमेरिकल पूछा, इसमें सॉल्व किया, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं उसी स्तर के न्यूमेरिकल, तो इसके आगे चर्चा कल करेंगे, ठीक है। तो आपके परिचित में जो भी दोस्त तैयार हों, अगर कक्षा इंटर 12th का क्लास यूपी बोर्ड का करना चाहते हों तो बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो रजिस्ट्रेशन करा लें आप, जो भी जिनको भी करना है। प्रतिदिन 7 बजे से क्लास रहेगी यूपी बोर्ड का, प्रतिदिन यूपी बोर्ड से क्लास रहेगा। तो जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे सबको सूचित कर देंगे, ठीक है। तो अभी लड़कों से कांटेक्ट करना है, जो भी लड़के हैं उनसे कांटेक्ट करके और सभी का रजिस्ट्रेशन जो जो कराएंगे वो उनका करना है। तो अभी प्रोसेस चालू है, स्टार्ट है, जो भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनकी क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा फीस नहीं है, एक सब्जेक्ट का केवल 1500 है। और जैसे क्लास आप जाकर कोचिंग में पढ़ते हैं उसी तरह की क्लास हम आपको एक एक घंटे का प्रतिदिन पढ़ाएंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल होगा तो आपको हम सॉल्व करेंगे, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ठीक उसी तरह क्लास यहाँ चल रहा है। ऐसे ही क्लास चलेगा, लाइव चलेगा यूट्यूब पे, तो वो लाइव क्लास का ही फीस रहेगा। सिर्फ लाइव क्लास का फीस है 1500 रुपया एक सब्जेक्ट का, मैथ का भी और 1500 रुपया फिजिक्स का भी, यूपी बोर्ड का क्लास के लिए, क्लियर है। तो जो भी होंगे दोस्त यार या आपके अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में, उनसे बताइए, कम से कम हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी कुछ करिए, आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों को जोड़िए। तो नमस्कार दोस्तों।